अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको गोल डोरी बनाने का तरीका डिटेल से बताऊंगी और इस डोरी के साथ बगैर चेपी के गला बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पर सीखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। इससे बारीक डोरी बनाने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है और उसके साथ गला बनाने का कट कर ली है और इसको अब आगे भी कटिंग करेंगे। इसमें ज़्यादा कपड़ा हमने नहीं छोड़ना। ये देखें, इस इतना सा कपड़ा होगा। ये देखें, हाँ ये सिलाई खड़ी है और इतना सा कपड़ा हमने इसमें छोड़ना है। अब हम इसको सीधा करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सीधा करेंगे हम लोग। ये काफ़ी लंबी डोरी है जिसको मैंने सिलाई लगाई, क्योंकि गला बनाने पे तकरीबन इतनी ही ज़रूरत है डोरी की। ये देखिए, इस तरह इसको कटिंग कर लिया और ये सुई के साथ हम इसको सीधा करने का तरीका। ये देखिए, ये जो इसकी राउंड साइड है, ये कपड़ा है, ये सिलाई लगी हुई है और ये इसकी गोल साइड है। इसके बीच में आपने ये सुई को डाल देना है और इस तरह से लेके आना, ये नॉट के पास से इस तरह सुई को डालना है। और ये देखें, सुई की बैक साइड जो है इसको हमने इसके बीच में डालना है इस तरह। रास्ते में कहीं भी इसको कोई तार वगैरह बीच में आने नहीं देनी, इसी तरह अटके ना हमारी सुई, ऐसे सीधी सीधी आ गई है। देखिए, ये मेरी फिंगर जो है डोरी को सीधा कर रही है, तो इस वजह से ये सुई में अटकेगी नहीं, कपड़ा वगैरह कोई तार नहीं आएगी सुई में और ये आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से सीधी हो जाएगी। ये देखें इस तरह, इसी तरह हमने इधर से, ये मैंने अपने नेल पर रखी हुई नीडल, ये देखें। अगर किसी का नेल नहीं होता तो ये देखिए इस तरह भी आप रख सकते हैं इसको इस तरह। ये देखिए, हाँ ये तरीका, इस तरह हमने अपनी नीडल को बाहर निकाल लेना है, ये धागा निकाल लिया, इस तरह फिंगर पे बल दिया और ये जो बैक है इसको थोड़ा सा ये बल सारे आगे कर दिए और अब इसको बिल्कुल यूँ सीधा करके, तो ये ऊपर से हमने ना ऐसे हाथ रख लेना है इस तरह, हाथ रखेंगे तो ये बाहर को निकलती जाएगी। हाँ, इस जगह पे ऐसे इधर से इस फिंगर के साथ इसको खींचना है और इधर से ऐसे, ये देखिए इस तरह। हाँ, जब इतना जमा हो गया तो इसको हम इस तरह कर लेंगे। अगर कहीं पे रुक जाए तो इसको थोड़ा सा वापस खोल लें, ठीक है। और ये बहुत आसानी से खुलने वाली डोरी है, बिगनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। और उसका यही तरीका है, जहाँ पे आपकी डोरी रुक जाएगी वहाँ पे आपको, बाज़ लड़कियों से ये खींचते हुए इस तरह ये धागा टूट जाता है, इसको भी एहतियात से आपने खींचना है और ये नॉट बहुत पक्का करके स्टार्ट में लगाना है, ये वाला नॉट, ताकि ये खुले ना, टूट के धागा बाहर आ जाता है अक्सर लड़कियों से। ये देखिए, अब ये बैक पे हम गए, इसको थोड़ा सा पहले हमने बैक करना है, टर्न करके इसको बिल्कुल सीधा कर देना। सीधा करने के बाद इसको जब हम इस तरह करेंगे, हाँ ऐसे, तो ये आसानी से खुलती जाएगी इस तरह। ये देखिए, जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी इसको हम बैक टर्न करेंगे, ये जो हमने कटिंग के लिए कपड़ा छोड़ा था बीच में सिलाई से दूर, उसको पकड़ के पीछे खींचेंगे तो ये बिल्कुल फिर से खुलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह करके ये हमारी डोरी रेडी है। आप इसको